हिमाचल प्रदेश को एक साल के इंतजार के बाद मंगलवार को दो नए मंत्री मिल गए। बिलासपुर जिले के घुमारवी से विधायक राजेश धर्माणी और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर से एमएलए यादवेंद्र गोमा को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। अब मुख्यमंत्री सुक्खू के निर्देशों पर जल्द ही दोनों मंत्रियों को विभाग दिए जाएंगे। पार किया एक साल बाद, जिसमें हमने दो मंत्रियों को बनाया है और ये भी विस्तार अभी आवश्यक था। इससे पहले जब भी कोई मुख्यमंत्री होता था वो पूरे 12 के 12 मिनिस्टर्स बना देते थे, लेकिन हमने अपने मंत्रिमंडल को थोड़ा छोटा रखा था और जब कहा जरूरत हमें महसूस हुई तो हमने इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और अभी एक पद इसमें मंत्रिमंडल का खाली है, जिसे जल्दी ही आने वाले समय में भरा जाएगा। सर, लोकसभा चुनाव से पहले भरेंगे सर, जो एक पद बचा है या नहीं? हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले भी उसको भर सकते हैं और निश्चित तौर पर अभी हमारे डिप्टी स्पीकर है और मंडी से भी एक व्यक्ति को हम इसमें क्या कहते हैं अपने जो पोस्टिंग होती है उसमें जगह देंगे। सर, पार्लियामेंट्री वाइज दिए जा रहे हैं और क्या रीशफल भी होगा? देखिए, अब नए मंत्रिमंडल बने हैं, पोर्टफोलियो दिया जाएगा, थोड़ा बहुत रीशफल जहां होना होगा उसको करेंगे। सर, पार्लियामेंट्री वाइज तालमेल बिठाने का प्रयास? हाँ, पार्लियामेंट वाइज तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया है और पार्लियामेंट वाइज और जो समीकरण है, जातिगत समीकरण भी होते हैं, उस आधार पर इसको बिठाने की हमने कोशिश की है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर जो कांग्रेस की विकास है उसमें सबका, हिमाचल प्रदेश का जो विकास करना है, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य मिलकर हिमाचल प्रदेश के आत्मनिर्भर